दोस्तों नमस्कार, मैं रमनू सिंह, सतना में सैनिक स्कूल। सतना सांसद गणेश सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर सतना में सैनिक स्कूल खोले जाने की मांग की है। सतना सांसद के इस पहल का स्वागत करना चाहिए। पहले यह भी जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने सैनिक स्कूल हैं और वह कब कब खुले हैं, कहां कहां पर हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में मात्र एक ही सैनिक स्कूल है, वह भी रीवा में। रीवा के सैनिक स्कूल की स्थापना सन 1962 में हुई थी और रीवा का सैनिक स्कूल 260 एकड़ में है। हम यह नहीं कहेंगे कि सतना सांसद गणेश सिंह को 20 साल बाद सैनिक स्कूल सतना में खुलवाने की याद कैसे आई। हम यह भी नहीं कहेंगे कि राजनाथ सिंह को 10 साल रक्षा मंत्री बने होने को आए और अब चुनाव के समय गणेश सिंह सैनिक स्कूल की मांग कर रहे हैं। हम यह भी नहीं कहेंगे कि सतना विधानसभा का चुनाव हारने के बाद गणेश सिंह को सैनिक स्कूल खोले जाने की याद कैसे आई। हम यह भी नहीं पूछेंगे कि रीवा के अलावा पूरे प्रदेश के किसी भी जिले में दूसरा सैनिक स्कूल क्यों नहीं खुला आज तक। हम यह भी नहीं कहेंगे कि रीवा के बगल में सतना जिला होने के बावजूद क्या सैनिक स्कूल खोला जा सकता है। हम तो सतना सांसद गणेश सिंह से यह जानना चाहेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, सतना में एक सैनिक स्कूल चुनाव के पहले क्या खोला जा सकेगा या नहीं। हम गणेश सिंह से यह भी जानना चाहेंगे क्या सतना में सैनिक स्कूल खोले जाने को लेकर कोई नियम, कोई प्रावधान है, या सांसद ने चुनावी माहौल के कारण एक मांग पत्र सौंप दिया।